जहां आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए न सिर्फ अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है बल्कि प्रचार की कमान भी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभाल ली है। दिल्ली में मतदाताओं को रिझाने के लिए हर रोज केजरीवाल एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचली वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए दिल्ली में बीजेपी भोजपुरी सितारों का तड़का लगाएगी, जिसमें भोजपुरी एक्टर आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, शुभी शर्मा और श्वेता तिवारी दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों की लोकप्रियता को खूब भूनने की कोशिश करेगी। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स करीब 45 लाख हैं, जो दिल्ली की सातों सीटों पर अहम किरदार निभा सकते हैं और बीजेपी ने इन पूर्वांचली वोटर्स को देखते हुए दिल्ली में भोजपुरी सितारों से प्रचार कराने का फैसला लिया है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी खुद भोजपुरी सुपरस्टार रह चुके हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बनाया। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली से जुड़े पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।